three, two, one, and action. वाणी सुनकर कई विचलित मस्तिष्कों को शांति मिली है क्योंकि हर आदमी यहाँ अर्जुन है जिसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है और उसको कृष्ण मिल नहीं रहा स्पिरिचुअल जर्नी होती ही युद्ध के लिए है मेरा अलग है मेरी अलग है कोई अलग नहीं सब एक ही है एक ही अलग है दैट इज गॉड इनके शब्दों ने हमारे ग्रंथों के ज्ञान को हम तक हमारी ही भाषा में पहुंचाया है जैसे एक है, है। उसको बच्चे को खाने से मतलब है। तो आप जहाँ बोले वहाँ सुना देंगे कथा में हो पॉडकास्ट हो हमको खाना खिलाने से मतलब जाए, है। <laughs> स्वयं तीस की हुई ना हुई हो लेकिन तैतीस कोटी देवी देवताओं का आशीर्वाद इन पर विराजमान है मेरी बेड टाइम स्टोरीज नहीं रही इट वाज ऑलवेज कृष्णा राम राधा जी दुर्गा जी जैसा मीरा जी ने किया हर हरदेवोटी ने वैसा नहीं किया सबकी अपने फीलिंग्स है सबका अपना तरीका है द वन एंड ओनली जया किशोरी जय प्रणाम किया द बेस्ट इंट्रो हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू व्हाट्स योर मंत्रा हमारा स्पेशल सत्संग एपिसोड चल रहा है जहां पर हमारे साथ जुड़ी हैं द वंडरफुल स्पिरिचुअल ओरेटर जया किशोरी जी एंड ये कॉन्वर्जेशन हमारी पिछले एपिसोड में शुरू हुई थी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो मुझे लग रहा था वन थिंग so sure, um, आपका और आपके uh, लवर के साथ आपका कनेक्शन जिस किसम का प्यार आप उससे करते हैं uh, जिस किसम का प्यार आप अपने भगवान से करते हैं These are two different things, but but yeah. the the one one, who can find both of them together must be the most blessed one, no? Definitely, but I don't know कहानियों में मीरा की कहानियों में राधा की कहानियों में मैं तो इनफैक्ट आपसे पूछता हूँ राधा मीरा रुकमणि सबसे महान प्यार किसका कृष्ण का वाह वाह सुंदर वचन सुंदर वचन कृष्ण की ही बात करें और जो आपके इष्ट हैं हमारे इष्ट हैं प्रेम का सागर रहे हैं वो और सब में उस सबको मालूम है कि मेरे साथ उन्होंने उन, मुझे उन्होंने भर दिया दूसरे के साथ क्या किया ऐसे कोई लेना देना नहीं पर मुझे उन्होंने पूर्ण रूप से भर दिया शायद इसलिए वहां पर आप जेलसी की कहानियां की कहानियां नहीं सुनते या हम तक वो कहानियां नहीं पहुंचती नहीं पहली चीज तो देखिए वो भगवान है hmm. नारद जी का एक प्रसंग आता है कि नारद जी ने कहा कि आप इतने लोग आपको मानते हैं अपना मानते हैं एक इंसान इतने जगह तक पहुंचे कैसे मुमकिन है तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक ही टाइम पे वो कोशिश कर रहे हैं हर जगह जाने की hmm. कि चाहे मीरा जी हैं इनके और हर जगह कृष्ण जी ऑलरेडी थे नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये तो गीता जी आपसे कहती है कि आपको भगवान की नकल नहीं करनी है yeah. आपको सीख लेनी है क्योंकि नकल आप कर नहीं सकते भी नहीं सकते आज अगर शंकर जी का नाम लेकर आप कर रहे हो नशा करते हैं मैंने आपने बिल्कुल कहा आरती जी के पॉडकास्ट में कहा था तो जहर भी पीते हैं कृष्ण जी का अगर आप कर रहे रास कर रहे ये कर रहे वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे आपकी हिम्मत है कोई पहाड़ उठाने की सात फन के सर्फ पे नृत्य कर रहे है आप एक फंड के सामने तो दो मिनट खड़े नहीं रह सकते तो आप भगवान और शास्त्र कहते हैं भगवान की बराबरी नहीं कर सकते नकल नहीं करनी है आपको सीख लेनी है वो सिचुएशंस आपके सामने नहीं है महाभारत का युद्ध आपके सामने नहीं है लेकिन यहाँ है hmm. Hmm. तो उससे कैसे लड़ना है वो सीख मिल रही है तलवार उठा के लड़ने नहीं बोला है आपको hmm. Hmm. आपको hmm. समझाया गया कि वैसी सिचुएशन में काम कैसे करना है तो आप बराबरी पहली चीज तो कर नहीं सकते तो आप लव के लेस ले सकते हो कि उन्होंने जिनसे भी उन्होंने प्यार किया उन्होंने भरपूर अपना हंड्रेड परसेंट वहां पर दिया और सबका प्यार करने का तरीका अलग था कोई क्या मानता है कोई क्या मानता है मीरा जी का प्यार बिल्कुल अलग था रुक्मिणी जी का अलग है सुदामा जी का अलग है mm -hmm. सारे हम क्यों सिर्फ लव uh, एस्पेक्ट वाला रिलेशन सुदामा जी अलग है अर्जुन अलग बिल्कुल. है सबका अपना प्यार है और सबने प्यार भरपूर जिया uh -huh. किसी में कोई कमी नहीं है इसीलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है कि उन्होंने जो किया 100% किया कहीं कमी नहीं छोड़ी सुदामा जी का वो कौन सा किस्सा था एक दा, एक दाना चावल वाला हाँ जी वो चावल और अब यहाँ पे भगवान का बताया गया है कि कि जो हम सुनते हैं हैं भगवान जब चावल खाते है, तीन लोक है, तो जब पहला कवा खाया तो एक लोक दे दिया दूसरा खाया दूसरा दे दिया तीसरा खाने लगते रुक्मी जी ने हाथ पकड़ लिया हम कहा रहेंगे हाँ, हाँ. कि मतलब जब देने पे आए तो भूल गए कि उनको लग रहा है मैं जाऊँ वो भी दे दू <laughs> सब दे दो पर ये आया है तो ये मेरा है बट ऑब्वियसली ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा सकता है बट यानी कि जब वो प्यार करने पे आते हैं वो सोचते नहीं है कि वो कितना दे रहे हैं आपको हम जरूर सोच रहे हैं उनसे लेते वक्त कि इतना मिला उतना मिला हो रही है ये दिया वो नहीं दिया वो नहीं सोचते ये सब वो हर बार वो आपके मन का नहीं करके भी आपका ही भला कर रहे हैं अभी नहीं समझ आ रहा दस साल बाद पांच साल बाद समझ आएगा पर समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है बिल्कुल सत्य वचन और अभी इस जीवन में ना समझ में आया तो शायद किसी और जीवन में समझ आएगा कर्म चक्र के बारे में आपने कई बार बात करी यू सेड इट्स द कामिक साइकिल व्हाट वी गो थ्रू इन दिस लाइफ इज व्हाट वी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ऑलमोस्ट लाइक क्रिकेट में होता है ऑलमोस्ट वो हो गया ना पहला दिन का mm -hmm. खत्म हुआ मैच सौ रन बनाया तो अगली इनिंग्स आपकी एक सौ एक से ही शुरू होगी डू आई ऑल्सो सी दिस फॉर अ लॉट ऑफ लर्नड सोल्स ओल्ड सोल्स लाइक योर अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिफरेंट लाइफ दैट इज इन दिस लाइफ दैट दैट रियली हैपन डू यू दिसफ डैट रियलीट वी जो हम यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं इट विल बी फॉरवर्ड इन द फ्यूचर यस डेफिनेटली और मैंने ये पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है शायद इस जन्म का या पिछले जन्म का तो कई लोगों के लिए कुछ चीजें बड़ी ईजी होती है आपको देख के लग रहा है अरे बड़ी ईजीली मिल गया नहीं अभी लग रहा है उसने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की होगी उसके लिए hmm. ऐसे कर्म किए होंगे कि आज उसके लिए ये काम ईजी हो तो आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है किसने क्या किया है सबने अपने कर्मों का ही फल लिया है आज भी ले रहा है जो भी कर रहा है और पिछला जन्म है कहीं ना कहीं मैं बहुत ही श्योरिटी में नहीं कहूंगी ये चीज क्योंकि कुछ भी कहना फिर लोगों के लिए होता है कि आपको कैसे पता बट पर कुछ परसेंट तो मैं ये कहूंगी कि कोई चलो ये रीजन नहीं है कोई तो रीजन है कि एक इंसान कहाँ पैदा हो रहा है और एक इंसान कहाँ हो रहा है सभी एक जैसे जगहों पर क्यों नहीं हो रहे कुछ चलो ये आप नहीं मान रहे तो मुझे दूसरा रीजन बताओ जय जी मुझे एक ऐसे ये सवाल उठ रहा है और इस पर मैंने बहुत विचार किया है कि क्या कई बार जो आत्माएं रहती हैं जो किसी प्रकार का अपने पिछले कर्मों का और पिछले जन्मों का कुछ कॉन्शियसनेस लेकर आ रही होती हैं डू दे चूज देयर पेरेंट्स डिड यू चूज योर पेरेंट्स आई अबाउट दिस आई पेरेंट्स बट आई थिंक योर थिंकर्मा कैन चूज योर पेरेंट्स वो आपको याद नहीं है आज मुझे नहीं याद मैंने पिछले जन्म में क्या किया आपको नहीं याद बट कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये परिवार मिला है कि जिस परिवार ने हर किसी को नहीं मौका मिलता कि बचपन से उसको एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिले आज में यूथ में बहुत लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल कनेक्ट चाहिए जिनको बचपन से नहीं मिला मुझे बचपन से मिला इस वजह से जब लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल होना चाहिए मैं ऑलरेडी हूँ Hmm. और वो मेरी वजह से इस जन्म में तो नहीं है yes, कि मुझे उस में कुछ तो ऐसा किया था कि ये परिवार मिला कि नहीं इसको यहाँ पर है लेकिन कर्म तो मेरे ही है hmm. चाहे अभी के या पहले के कहीं ना कहीं ये एक ईगो अः uh, दूसरों के प्रति जो अब नफरत है ये भी खत्म करता है कि किसी को देखकर मुझे क्यों जेलसी होगी वो सक्सेसफुल क्यों हो गया अरे मुझे तो नहीं लग रहा किया है है तो भाई उसके ही कर्म हुँ. अभी को या पहले के तो मेरा जलना बनता ही नहीं है हुँ. उसको जो मिल रहा है वो उसी की वजह से मिल रहा है और मुझे जो मिल रहा है वो भी मेरी ही वजह से मिल रहा है अच्छा या बुरा बहुत खूब बहुत खूब इस शताब्दी के जो कुछ बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं सिद्ध आत्माएं रही हैं स्पीकर्स रहे हैं फिलासफर्स रहे हैं बियॉन्ड द रियाल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म आल्सो कुछ हैं जिनको आपने कभी पढ़ा जाना उनके बारे में आपके विचार रमन्ना uh, महर्षि के बारे में आपके कुछ विचार सदगुरु जग्गी वासुदेव ओशो रजनीश कई बार आपके कई सारे क्लिप्स को हमने ओशो रजनीश के साथ जुड़ा हुआ देखा है तो मैंने उनको भी एक्चुअली मैंने uh, उनको अभी अभी पढ़ना शुरू किया जी. है मे बी सिक्स मंथ्स बैक या मैक्सिमम वन ईयर मैं कह सकती हूँ आई रेड स्वामी विवेकानंद लॉस्ट उनको मैंने काफ़ी सुना है क्योंकि मेरी मॉम उनको बहुत पढ़ती थी जी. तो उस वजह से प्लस मैंने एक्चुअली uh, गीता प्रेस से काफी किताबें पढ़ी है जी जी जी. तो मैं एग्जैक्टली exactly तो नाम मुझे फिर भी ना बता पाऊँ मैं कि

क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबकी अपनी अपनी जर्नी है हर hmm. बात जरूरी नहीं मुझसे रिलेट कर पाए hmm. और जब आप किसी को एक पेडस्टल पे बैठा देते हो कि मेरा फेवरेट है ये सब सही बोलेगा ये सब सही करेगा और एक भी बात अगर मेरे मुताबिक नहीं हुई तो वो एक नेगेटिव फीलिंग जागने लगती है ये तो वही हो गया जो आप अपने लवर्स के साथ और हाँ, के। हाँ, के। उनके साथ yeah, गुरु को भी आपने ना छोड़ा exactly. उसको भी सेम कट घरे में ले जाके तो अब मैं ये काम नहीं करती तो मैं सबको सुनती हूँ मुझे जो किताब अच्छी लगे तो आप काफी टाइम तक मेरा काम है कि मैं ऑथर नहीं देखती कौन है yeah. मैं किताब का नाम देखती हूँ अगर मुझे लगता है कि ये चीज मुझे पढ़नी है तो मैं वो किताब उठा लेती हूं। okay. पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छे लगे तो डेफिनेटली फिर आप ऑथर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कौन है इनकी और किताबें पढ़ सकते हैं पर अब मेरा मेन फोकस रह गया बात अगर वो बात मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उसको पढ़ना चाहता yeah. <laughs> हूँ पढ़ती है देखती किसे है जया किशोरी जी को वक्त मिलता है इन सब चीजों के अलावा कुछ और देखने का कोई नई वेब सीरीज देखी कुछ नया गाना सुना आप इतना अच्छा गाना सब, गाती सब, हाँ, सब, मैं मैं बैलेंस बनाती मैंने <laughs> पहले भी कहा मुझे तो सब जीना है जी, जी. और मैंने घर परिवार छोड़ा नहीं है साधु संत हूँ नहीं कि मैं काफी चीजें छोड़ टाइम कम मिलता है तो कंपेरेटिवली लोगों के अनुसार मैं काफी कम चीजें देख पाती हूँ या लेट देख पाती हूँ बट आई डू वॉच और मेरे फैमिली को बहुत पसंद है कि हम चीज़ें एक साथ देखें जब हम घर पे होते हैं तो हम वेब सीरीज चलाते हैं कोई नई मूवीज चलाते हैं हम एक साथ बहुत ज़्यादा थिएटर नहीं जाते अगेन कि लोग आसपास होते हैं अब ना जा पा रहे हाँ जी जी <laughs> <laughs> तो अब घर पर बैठ के कोशिश करते हैं हम कुछ ना कुछ देखे तो मैं हर चीज़ इन्जॉय करना चाहती हूँ मेरे दोस्त है फैमिली टाइम है वर्क है अपनी खुद की रीडिंग्स है, एंटरटेनमेंट है, सबका बैलेंस बनाओ 24 घंटे हैं, बहुत घंटे दिए हैं hmm. और सबको यही दिए तो कोई ये बोले मुझे कम समय मिला, तो जो बाकी चीज़ करा, उसको भी 24 ही मिले हैं तो आई डोंट थिंक आपको कंप्लेन करना चाहिए बस टाइमली हर काम करो तो सब एंजॉय कर सकते यू आर वंडरफुल आपको uh, सरस्वती का आशीर्वाद है आप पे आपने इतना सुंदर hmm. गाया है

बट अगर अभी मुझसे कोई कहे या कोई बोले आपको ऐसा करना मुंबई no. yeah, no. no. आना हुआ इन कोलकाता बट टेलमी मुंबई के ट्रैफिक में फसे आदमी की एंगजाइटी कैसे मुक्त करे वो अपने आप को कैसे उस मुंबई लोकल के डब्बे के अंदर जहाँ पे सौ लोगों की जगह है वहां पे ढाई सौ लोग जब एक दूसरे के अंदर ऑलमोस्ट लीन हो जाते हैं किसी धर्म ने किया जो मुंबई लोकल के डब्बे ने कर दिया आदमी 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 को, को करीब ले आया है उस वक्त क्या करे अ डू हाउ वन लिव थ्रू रहते हो ना आपको उसकी नेगेटिव चीजें hmm. तो हम जब कैलका में रहते हैं तो हमें चाहिए कि नहीं मुझे ये भागदौड़ की जिंदगी चाहिए।, hmm. चाहिए हाँ hmm. कि कारकर्ता तो बड़ा खुश है हाँ, आराम है बारह बजे है। आ, क्या ऑफिस है ना भात खावो घूम <laughs> तो, भात घूम उसके बाद लंच के बाद वाला हाँ, ब्रेक हाँ, फिर चार बजे दुकानें खुलेगी <laughs> कि वेरी वेरीफाइड बहुत अच्छी है, वहाँ पे लाइफ ऐसी है कि उनको भाग दौड़ एकदम पसंद नहीं है हाँ. और मुझे क्योंकि मैं वहां रह रही हूँ अगर मैं यहाँ रहती तो शायद मुझे वो लाइफ बड़ी अच्छी लगती अरे मुझे शांति चाहिए इंसान के पास जो होता है उससे वो कभी खुश नहीं होता दूर के ढोल हाँ ने। तो जहाँ हो वहाँ खुश रहो वहाँ की जो बेस्ट चीज़ें हैं उससे अपना काम कंप्लीट करो बाकी आ, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप वहाँ से दूसरी जगह चले जाइए लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यहीं की बेस्ट चीज़ों से प्यार करना शुरू करिए तभी आप खुश रह पाएंगे वरना वही बात है जिंदगी काटनी तो है या तो रो के काटो या तो हंस के काटनी oof, तो पड़ेगी इतनी <laughs> जल्दी ऊपर तो नहीं जाने सुंदर बात, बात. Acceptance is such a beautiful word. Yes. मेरे ख्याल से relationships में हो uh, जिंदगी में हो अपने success को कर हो, करियर को लेकर हो आई डों सेटिसफाइड नो बड़ी एक्सेप्टेड लुकिंग फॉर वो कहता ना वो गाजर सामने लटक रहा है और आप उसको पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे हो पर वो आपसे ही बंधा हुआ है वो एक भ्रम बन के रह गया है मेरे से. और वो आध्यात्मिक लोगों के साथ में भी होता है कुछ हो तो गुरु बताए नहीं एक्सेप्टेंस वाली चीज ये आपको जिंदगी में हर चीज माननी है कि कुछ भी हो सकता है hmm. एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेना कि मेरे हिसाब से चीजें होंगी मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा एग्जैक्टली hmm. exactly ये ये दुनिया में सबसे बड़ी गलती है इंसान की मैं ये कभी नहीं मानती मुझे काम करना है हो भी सकता है मेरे हिसाब से हो इसलिए कई बार आज आपको जो व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं आपको लोग भी पसंद कर रहे हैं आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत लोग आते हैं बट फिर भी कई लोग इस रिप्लाई को मेरे मानते हैं कि आप जबरदस्ती का हम्बल बनते हैं यार hmm. कि मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो भगवान करे काम अच्छा हो या लाइक अरे सब तो व्यूज आते हैं जबरदस्ती के नाटक है मुझे लगता है नहीं अगर नहीं आए hmm. अगर नहीं आए तो मुझे बहुत ज्यादा धक्का नहीं लगेगा क्योंकि hmm. मैंने तो पहले ही सोच के लगाया नहीं आए आए नहीं तो मैं तो दोनों चीज लेके चलती हूँ कि कभी भी हो सकता है कि आज आप मुझे बुला रहे हो कल मेरी जगह कोई और होगा ये हो सकता है और ये होगा हाँ जी तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेना इस चीज के लिए कि ये होगा ये सबसे अच्छा तरीका होता है शॉक नहीं होने का कुछ भी अटपटा हो गया तो।, तो मैं तो दोनों चीज लेके चलती हूँ आज अगर बहुत लोग मना रहे हैं कल बहुत लोग गालियां भी दे सकते हैं आज अगर सर पे बिठा रहे हैं तो कल सर से उतार भी सकते हैं आज लाइफ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है तो एक टाइम आ भी सकता है जब बहुत चीजें बिगड़ जाए और तब समझ ही ना आए क्या हो रहा है बट क्योंकि मुझे पता ऐसा हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन भी मैं डट कर खड़ी रहूंगी कि चलो सोल्यूशन ढूंढते हैं क्योंकि पता तो था कुछ ना कुछ होगा ऐसा सुंदर ना कुछ पाने की खुशी ना कुछ खोने का गम ना कर्म कर फल की चिंता मत या जो है यहाँ पर वो तो दे, दे देगा उसको जितना देना है फल की, फल से आदाया आप यहाँ पर आए मुंबई शहर आपने कुछ खाया पिया है तो वड़ा पाव खा लिया की इस बार नहीं खाया मैंने क्यूँकी मेरा शूट है तो मैं थोड़ा डाइट पे चल रही हूँ अच्छा खाने पीने का भरपूर पूरा ध्यान रखा जाता है हाँ बिल्कुल थोड़ा क्योंकि आप ट्रैवल बहुत करते हैं नॉट बिकॉज आई आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे ऐसा mm, कुछ नहीं mm. है बट ट्रैवलिंग बहुत होती है यू कुक नो सॉरी बिल्कुल नहीं बहुत कम बहुत शौक चाय बना तोर. लोगी चाय के अलावा मैं बहुत चीज बना सकती <laughs> हूँ पर मुझे चाय बनानी नहीं है चाय इज एन आर्ट फॉर सम रीजन लोग के हाथ में खाना इमोशन की बात है, <laughs> की बात that's है. True, that's कितना true. भी अगर मन से नहीं बना रहे हो ना कई बार मैंने नोटिस कितना भी अच्छा बनाओ सेम खाना गुस्से में अच्छा नहीं लगता और मन से बनाओ तो शायद इसीलिए हमारे घरों में किचन में सत्संग होता है मेरे घर में भी तो अभी ऑल टाइम मंत्र चलते रहते है की जो भी खाना बना रहे अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड भी है

बट अच्छी मतलब मैं जैसी चाय बनती है ना कम ना बहुत ज्यादा पर अच्छी चाय बनाई अदरक इलायची सब डाल के दूध वाली चाय पहली चीज मिलायती <laughs> वाली नो सब ना वो मैं एक ही बार पीती हूँ पर मुझे अच्छी <laughs> चाय चाहिए मैं हिंदुस्तान में आप अलग अलग जगह घूमी आपको आपका प्रेम मध्य भारत से भी जुड़ा रहा इंदौर शहर को, को आप बड़ा पसंद कर रही हैं अभी आजकल क्या इंदौर में क्या खास लगा आप अभी रिसेंटली गई थी वहाँ पर हाँ जी नहीं इंदौर अभी रिसेंटली का खास नहीं तो इंदौर में मेरी पहली कथा थी जिसमें मैंने काफ़ी मतलब आ, अब भले ही भगवान की कृपा से मैंने उसको क्रॉस किया पर तब पहली बार मेरी कथा में डेढ़ लाख लोग आए थे वो इंदौर वाँ, वाँ। था तो वो मेरे लिए एक अलग और नंबर नहीं होता बट क्योंकि नंबर इतना है ना तो वो जो गाते हैं वो जो ताली बजाते हैं, वो जो खुश होते हैं वो छोटी छोटे <laughs> वा, वाला, तो वाला हम लोगों का हमारे कैलाश भी आए कैलाश विजयवर्गी बड़े वरिष्ठ लेवल पे हैं बीजेपी में मैं उनको गाते हुए सुना करता था कैलाश भैया बड़ा याद आता आपके बारे में कभी गाइए पुराने वाले कलाम फिर से बट वहाँ के पोए जलेबी खाई हाँ जी जलेबी नहीं पर पोए खाए तो अभी इस वक्त नहीं आपको ऑफर की जा सकती जलेबियाँ की की जा सकती हैं नहीं बड़ा अब मैं मीठा कम खाती हूँ मुझे ज्यादा नमकीन पसंद है बहुत को, तो मुझे नमकीन चीजें बहुत मीठा कम पसंद है बहुत को अच्छा ये एक्सप्रेशन क्वीन का क्या मतलब है ये, ये, ये? <laughs> <laughs> हाँ पर ये आई थिंक मेरी प्रॉब्लम है ये मैंने भी नोटिस किया है नहीं नहीं मतलब प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि जब आप यू you नो know, जब बहुत आपको लोग बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा क्या है तो आप खुद के वीडियोस देखना शुरू करते हैं <laughs> और मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि मैं बहुत देर तक एक एक्सप्रेशन में नहीं रह सकती <laughs> तो अगर कुछ नहीं भी हो रहा है जैसे कई बार बहुत अलग अलग गेस्ट आते हैं कथा में और उनको माइक दिया जाता है कुछ बोलने के लिए तो फिर उस वक्त मैं अपना चेहरा देखती हूँ कुछ नहीं करते हुए भी मेरा चेहरा बनता रहता है कुछ ना कुछ अपने तो को व्यक्त करना हर किसी को नहीं होता है कि कोई और अचानक से जब आप कुछ ध्यान आते और आपके सामने कैमरा लगे होते हैं। सब फोन लेके कि और तब तो आपको कहते हैं की आप स्टेज पे बैठे हो आप नहीं कर सकते तो आई थिंक उस वजह से अब जो मुझे लोग पसंद करते हैं उनको लगता है कि

भाव व्यक्त करना ही सब कुछ है मैं आपको कुछ दो से तीन सिचुएशन दे रहा हूं उस वक्त क्या भाव होते जाए किशोरी जी के मैं जरा सोच रहा हूं क्योंकि आप इतनी फ्लाइटें लेती रहती हैं दिन भर की ठीक है अगर आपको पता चला आपको... ये मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन हाँ, बस है। कुछ नहीं बोलना ठीक अच्छा। है फ्लाइट इज डिलेड ओके सिस्टर से झगड़ा

<laughs> पूरे देश का इस वक्त एक ही फेवरेट टाइम पास बन गया हाँ। है कि आप मैं बोला ना आपका विवाह ये हिंदुस्तान के हर नौजवान लड़के लड़की के साथ का यही है अब आप समझ लो पूरे हिंदुस्तानी आपके चाचा ताई मामा फुआ बुबा ये लग सब बन गए वहाँ पे और ये इतना हो चुका है कि अब मुझे लग रहा है मुझे करना ही नहीं चाहिए मतलब <laughs> आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अब मैं अनएक्सपेक्टेड इनको अच्छे से आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगा आपको चूज करना है इन दोनों में से एक सिंगिंग और स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग या झालमुड़ी ओके कोलकाता और मुंबई hmm. बोल दो बोल दो बोल दो हंसी हो लेकिन बोल दो कोलकाता hmm. गार तो घर है सोलो ट्रिप और गर्ल्स ट्रिप सोलो ट्रिप बहुत अच्छे ओटी टी बिंज वॉचिंग या मूवी इन थिएटर ओटीटी अब हाँ। मजबूर तो हाउ आर यू हैंडलिंग द पापराजी हाउ आर यू हैंडलिंग द वी डोंट हैव पापराजी कल्चर इन माय वो नहीं होता नहीं हाँ बिल्कुल भी नहीं होता मैंने यही देखा वो भी दो जगह हाँ। वो भी क्योंकि वो किसी और के लिए आए थे मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता <laughs> आए थे भारतीय जी के टाइम वो उनके लिए आए थे

मिस किया जाता है क्या नहीं क्योंकि मैंने उसको बचा के रखा है ना मैंने मिक्स नहीं किया इन दोनों काम को कितनी सुंदर हमेशा बना रहे लास्ट क्वेश्चन रणबीर कपूर और रणवीर सिंह अमित जी हाय हाय क्या कमाल की बात कही है तुमने सो का तालियां गरम भाई जोर-जोर से एब्सोल्युटली यू कांट बीट दैट मैन द वन एंड ओनली एंड वेल दैट वाज ऑल दैट आई एक्चुअली हैड फॉर यू जे लास्ट क्वेश्चन एंड नॉट इवन अ क्वेश्चन एंड एडवाइस व्हाट्स योर मंत्र ऑफ लाइफ क्या है जीवन का मंत्र वो मंत्र नहीं जो आपने बचपन से सुने हैं पर जीवन जीने का मंत्र आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया बट दो बातें। कोई बात नहीं हम हमारा एपिसोड पहले निकाल देंगे <laughs> हाँ नहीं मतलब आप ही के <laughs> एपिसोड में बोला है बट दो बातें कहूंगी एक मैं अपना लाइफ मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ एक कोट जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी को रेजोनेट करता है वर्ल्ड मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग हाँ 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 और दूसरा जिंदगी जितनी लिखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी या तो हंस के जियो या तो रोके तो <laughs> बहुत खूब मैं हंसा चुनती हूँ बहुत खूब और आप इसी तरीके से हंसाते रहिए लोगों को प्रेरित करते रहिए इट इज नॉट दैट से It is about how you make them look forward to the next part of their life. That is what an important work you're doing. Thank you very much, Jayakashuri, Thank for joining you. us. Thank you very much.